दरवाजा छोटा है मेरे लिए, बहुत छोटा है। पहले जो पानी भरते थे ये वाला पानी स्टोर करके इसे डाल के पीते थे। ताजा फल मिल जाते हैं। हाँ, टेस्टी फल है, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल है। 5-6 किलोमीटर पैदल आप लोग चलेंगे। भैया हमें लिफ्ट दे दी। भैया जय हिंद। आज हम जाने वाले हैं मानव संग्रहालय घूमने, तो चलो चलते। तो ये वाले ब्लॉग में आपको बहुत मजा आना है। मजा इसलिए आएगा क्योंकि मैं 3 किलोमीटर पहले से लिफ्ट मांगना शुरू करूंगा, तो देखते हैं लिफ्ट मिलता है या फिर पहले 3.5 किलोमीटर चलता हूँ। तो बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पहुँच गया, क्योंकि रास्ते में कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ प्रोग्राम है, इसकी वजह से रास्ता पूरा ब्लॉक था। सिर्फ पैदल जो आ रहे हैं उनका ही आना है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो 50 रुपये टिकट का चार्ज है, भैया ने टिकट दे दिया। अभी आगे चलते हैं। ये वाला ब्लॉग मेरे को बहुत याद रहेगा। 3.5 किलोमीटर पैदल चल के आया, मेरे को लगा कुछ मिल जाएगा, गाड़ी वाड़ी मिला ही नहीं। मोबाइल नंबर 89। तो यहाँ से एंट्री करेंगे। आज का ब्लॉग जंगल में घूमने का एक फ़ायदा बताऊँ, फल आपको कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बहर है, और हमारे भैया बीन रहे हैं। बीन का थैली आधा भर चुके हैं। भैया अच्छा लग रहा है इधर? बहुत बढ़िया, ऐसे घूम लग रही है बेर, और अच्छा है। मतलब जंगल में घूमने का ये फायदा है, यही फायदा है, ताजा फल मिल जाते हैं। हाँ, टेस्टी फल है, ना कोई केमिकल द्वारा धोया रहेगा, ना कुछ नहीं। डायरेक्ट तोड़ो, डायरेक्ट खाओ, नीचे गिरा उठा के खाओ, टेस्टी एकदम मस्त, मीठा भी लग रहा है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे, और कुछ पुराने घर बने हैं, तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर चुके हैं और पुराने घर बने हैं, तो इसको पहले जाके देखेंगे, उसके बाद वो आगे चलेंगे। बोरे बहुत बड़ा है, लगभग 5-6 किलोमीटर है, तो पहले इसको घर को घूमते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलते हैं, पहले वाले घर को घुसते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है, ऐसा चीज़ जो देखने लगे। जो का ये तो पूरा घास से बना है, ये मिट्टी से है। आ जाओ अंदर जाते हैं। दरवाज़ा छोटा है मेरे लिए, बहुत छोटा है, क्योंकि हमारी छोटी हाइट नहीं है ना, बड़ी हाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं। वाह। तो पहले घर में ये हड़िया बर्तन ये सब रखने के लिए, ये अलमारी है, पुराने ज़माने वाली अलमारी है, और यहाँ पे धान की वो स्टोर कर रखती थी। यही है, देख सकते हैं अलमारी, पहले का अलमारी कैसे था और अभी का अलमारी कैसा है। तो फिर चलते हैं दूसरे वाले घर में, देखते हैं। दरवाज़ा बहुत छोटा है यार, बहुत छोटा, हमारे हाइट से बहुत छोटा ये। तो ये आईना है, मुंह देखने वाला आईना है, मैं दिख रहा हूँ क्या? छोटा सा आईना, देखिए पहले के ज़माने में ऐसे ही आईना था। और ये खिड़की है, जो खिड़की नहीं, कुछ स्टोर करके रखने वाला है। और ये दिखा है आपको, अलमारी खोल नहीं सकते। और ये क्या, ये कपड़ा रखने वाला जो बक्सा है, हमारे बिहार में इसको क्या बोलते हैं, पोशाकी बोलते हैं, हमारे बिहारी भाषा में इसको पोशाकी बोलते हैं। मतलब इसमें अलमारी जैसा रहता है, बट ये लंबा ना होके ये ऐसे चौड़ाई में रहता है, ये वही है। और ये सामान रखने वाला, जो आजकल किचन का ऐसा नहीं है, किचन का भी स्टेप बाय स्टेप हो गया, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। और बाकी का घर शायद बंद है, बाकी वाले घर में सब लॉक लगा है, 1, 2, 3 तीनों घर में लॉक लगा है। तभी चलते आगे, देखते हैं और क्या है, इस साइड भी बढ़ना है। और तो यहाँ पे आते ही मेरे को दिखा ना कि ये जो पहले मैं पानी भर के, फिर पहले जो पानी भरते थे ये वाला पानी स्टोर करके इसे डाल के पीते थे। और ये भी लग रहा है कुछ तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये भी पानी जो शायद केसरी मूवी में वो दिखाया था, जो बंदे को गोली लगा, तो वो बंदा जो पानी पिला रहा था सबको, शायद ये वैसे ही है। यहाँ पे देखिए वैसे ही दिख रहा है, यहाँ से निकलने के लिए है। ये भी काफ़ी अच्छा था। ये एक बात यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी छूने का इजाज़त है, तो आप लोग छू सकते। ये रस्सी है, आप लोग दिखते हैं, एक रस्सी है, नहीं तो कोई कमेंट कर रहा है भाई रस्सी तो है। ठीक है, बिस्तर, तो यहाँ बिस्तर है, और इसकी बनावट ये लकड़ी से पूरी बनी है, काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी की, जो मैंने बोला था ना, क्या बोलते हैं, तो कुछ ये गेहूं या धान स्टोर करके। पीछे महल है, वो बंद है आज, क्या पता क्यों बंद है, कभी और आएंगे भोपाल तो जाके महल घूमेंगे, अभी महल तो नहीं घूम सकते। तो ये जो पीछे मेरे देख रही है, ये टेर है, ये
मंदिर रहते जो भारत के कर्नाटका जिले से यहाँ पे लाके रखा गया 1995 में। और ये जो मेरे पीछे बड़ा वाला रथ देख रहे हैं, ये वाला बस्तर जिले के जो दशहरा मेला में यूज होता है वो ये वाला रथ है। तो यहाँ पे लाके वो रखा गया। कौन से इसमें ला के रखा गया मैं आपको बताता हूँ। ये वाला रथ 2001 में यहाँ पे लाके रखा गया है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ रहा था, आंवला का पेड़, आंवला फड़ा है पूरा, अच्छा है, नेचुरल से मिल रहा है, इसलिए तो जंगल पसंद है अपने को। तो आगे तक छोड़ने के लिए हमारे भैया लिफ्ट दे दिए, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल है, 5-6 किलोमीटर पैदल आप लोग चलेंगे। भैया हमें लिफ्ट दे दी। भैया आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल यहीं के रहने वाले क्या? हाँ भोपाल। भोपाल के रहने वाले? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, खेलो इंडिया में आए हो क्या? नहीं नहीं, घूमने, ये मानव संग्रहालय था ना, इसी को घूमने हैं। लिफ्ट मिल के आगे तक जाने के लिए। तो यहाँ पर नर्मदा जी का जो नदी कैसे बहती है वो बताया गया है, कहाँ शुरू होकर और कहाँ ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी अच्छे से पोस्टर बनाए हैं, जो हाथ से बनाए हैं, कुछ फोटो खींच के यहाँ पर टांगा गया, तो यही कुछ काफ़ी खूबसूरत है। अभी यहाँ इसका काम चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा बनाया, सब मिट्टी का कलाकारी किया गया, सब मिट्टी पर दीवार पर लगाया गया, फिर मिट्टी से इसको पेंट किया जाएगा, इसका काम चल रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मिथिक विधि, मतलब बोल रहे हैं, मैंने चाचा से पूछा तो बोलते हैं कि जो आदिवासी लोग रहते थे, अपने देवी देवताओं को मानते थे, उसका प्रतिमा बना है। तो चलते देखते हैं कौन से देवता को मानते थे, कैसे रहते थे। तो एंट्री स्टोन तो नहीं है, छोटा सा बना है गेट। तो उनके यहाँ उनके देवी देवताओं यहाँ पे हैं जिनको आदिवासी लोग मानते थे, जिनका भी कुछ नाम लिखा है। देवस्थान दिखिए, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये सब मिट्टी से बना है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मैंने बहुत पछता रहा वहाँ पे। अगर आप लोग गाड़ी से यहाँ पे आ रहे थे ना, खुद का पर्सनल बाइक, साइकिल, कुछ भी रहे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बोल रहे बहुत बड़ा है। तो देखते हैं कितना घूम पाते हैं कितना नहीं। उनके देवी देवता का स्थान नाग बाबा बने हैं, वाह, सभी मिट्टी से बना है। अभी बहुत दूर है इधर भी बोल रहे, देखते कितना घूम पाते आज, ब्लॉग पूरा होता है कि नहीं। ले कुछ नहीं, ब्लॉग तो पूरा करेंगे, घूमेंगे तो जरूर। एक स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम है इस आईफोन का, स्टोरेज बहुत कम, बार बार फुल हो जा रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्योंकि हाथों से कलाकारी करके बनाया गया दीवार पे, दीवार पे नहीं, मिट्टी है, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे एक पूरा एक है कि आप छू भी सकते, कोई दिक्कत नहीं इधर, बाकी संग्रहालय में जाते तो छू नहीं सकते। अभी तक जितना चित्र देखा ये सबसे मेरे को बेस्ट चित्र लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। तो बस आज के लिए इतना ही, मतलब इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, जो यहाँ पे म्यूजियम है, म्यूजियम काफ़ी खूबसूरत है, लगभग हर राज्य का कुछ ना कुछ वहाँ पर बना के रखा है, तो उसका ब्लॉग एक अलग से लेके आऊँगा। तो अगर उसको देखने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, तो वो ब्लॉग बहुत जल्दी लेके आता हूँ। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। ज्वेलरी चोरी कर ले क्या? पहले से मंडप बनाया जाता था जब झारखंड में शादी होता था, बिहार और झारखंड।